जोधपुर के कल्याणी नदी के किनारे रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी मानते हुए निगम द्वारा मकान तोड़ने के नोटिस दिए गए, जिसके बाद खेड़ा और भूत बंगला के रहने वाले स्थानीय लोगों ने नगर निगम पहुंचकर उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी से मुलाकात की और उनसे मकान को ना तोड़ने के लिए कहा। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उनको अतिक्रमणकारियों बताते हुए मकान तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है, जबकि उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। उन्होंने कल्याणी नदी के किनारे नपाई करते हुए मकान न तोड़ने की मांग की है। वहीं उपनगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 1961 के नक्शों के आधार पर कल्याणी नदी के किनारे सर्वे किया जाएगा और उसके बाद जो भी मकान उसकी जद में आएंगे उनको अतिक्रमण मानते हुए हटाया जाएगा। देखिए, इनको डाउट्स थे कुछ नक्शे के रिगार्डिंग, तो हमारी टीम जा करके कुछ इनके जो कुछ प्रतिनिधि रहेंगे वहाँ पर उनके सामने नक्शा खोल करके वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। और ये आश्वासन यहाँ पे दिया गया है कि नक्शे के हिसाब से जैसे 40 मीटर अगर नदी है तो उससे 20 मीटर एक तरफ और 20 मीटर दूसरी तरफ, इससे ज़्यादा अतिक्रमण का चिन्हीकरण नहीं किया जाएगा एक तरफ। हमारी ये अधिकारियों से मांग थी, हमारे परवेश भाई बोले कि नक्शे के हिसाब से जितना हमारा घर जाते हैं वो जो है हम खुद तोड़ लेंगे और नगर निगम को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद हटा लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि 1961 के दौर के जो नक्शे के हिसाब से मैडम अभी जैसे बताए, मैडम ने बताया कि मतलब कि हम 1961 का वो बना हुआ है नक्शा, उसके आधार पे हम जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं। अगर उस दौर के हिसाब से नक्शा के दौर से अगर अतिक्रमण हटा रहे हो तो उस हिसाब से पूरे शहर में आप अतिक्रमण हटाएं, फिर तो खेड़े में भी बड़ोजर चलेगा या हम खुद तोड़ेंगे, जो भी हम उससे सहमत है। लेकिन उसी अकॉर्डिंग पूरे शहर में जितना अतिक्रमण हुआ है उस दौर के हिसाब से वो सारा हटना चाहिए, सारा अतिक्रमण हटना चाहिए, फिर तो ठीक है। अच्छा, अगर ये खेड़े का जो टूटने का अतिक्रमण बता रहे हैं तो हमारे अटरिया मंदिर से लेकर और रामपुरे तक बताया गया है कि ये सारा टूटेगा, तो आप एक तरफ से नोटिस देते आओ ना, या तो अटरिया मंदिर से दें या फिर पहाड़गंज से, उधर शांति कॉलोनी पड़ती है उधर से देते हैं। आपने बीच में ही आके खेड़े में अटैक कर दिया कि ये बीच में का तोड़ दो, ये अतिक्रमण है, तो बीच में अतिक्रमण हो गया और यहाँ से वहाँ तक कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ।